महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में किसान सूखे और कर्ज की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मराठवाड़ा के औरंगाबाद में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी के प्रोग्राम के लिए पुलिस वाले ही टिकटें बेच रहे हैं। कांग्रेस ने इस पर कई सवाल खड़े किए हैं। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस के कॉन्सर्ट को लेकर अच्छा खासा विवाद पैदा हो गया है। अमृता के इस कार्यक्रम के लिए 51,000 रुपए का टिकट रखा गया था। बताया जा रहा है कि इतने महंगे टिकटों को बेचने की जिम्मेदारी राज्य के पुलिस कर्मियों को दी गई थी। दरअसल औरंगाबाद में बुधवार को पुलिस रजनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन पूर्व मंत्री कमल किशोर कदम की संस्था महात्मा गांधी मिशन और औरंगाबाद शहर पुलिस ने मिलकर किया। कार्यक्रम के लिए अमृता फडणवीस को गुडविल एम्बेसडर बनाया गया, जो एक कलाकार हैं और अच्छा गाती भी हैं। कार्यक्रम में सीएम की पत्नी ने भी स्टेज पर कुछ गीत गाए। इस प्रोग्राम के लिए एक कपल टिकट 51,000 में बेचे गए और ये टिकट बेचने की जिम्मेदारी औरंगाबाद के 15 पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों को दी गई थी। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष हरिभाव बागड़े, विभाग आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर, पुलिस आयुक्त यशस्वी यादव और एमजीएम के डायरेक्टर अंकुश राव कदम और कुछ उद्योगपति भी शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस वालों के कल्याण के लिए चंदा जुटाने की खातिर आयोजकों ने 51,000 रुपए के 400 टिकट छापे थे। अब कांग्रेस इस पर हमलावर हो गई है। लेकिन मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पुलिस व्यवस्था खुद ही टिकट बेच रही है। 51,000 रुपए के टिकट है और जो जानकारी आ रही है वो तो बहुत ही गंभीर है कि असामाजिक तत्वों को भी बेचा जा रहा है। अगर आरोप सही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने वाले पुलिस अधिकारियों को अगर निजी कार्यक्रम के टिकट बेचने में लगा दिया जाएगा तो वो अपनी ड्यूटी कैसे निभा पाएंगे। इसरारुद्दीन चिश्ती, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, मुंबई।